अनिल विज भारतीय जनता पार्टी के, अगर मैं ये कहूँ कि सबसे कद्दावर नेताओं में से एक, सबसे पुराने हैं हरियाणा के अंदर जी, और वो अपना तो आपको मोदी जी से भी सीनियर बताते हैं। वैसे तो अनिल विज क्या कह रहे हैं कुछ पता नहीं, क्या अंबाला कैंट से अनिल विज का टिकट भी कर सकता है? लोगों में चर्चा है ऐसी कि शायद ऐसा हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व है जी, उस पर क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स का भी एक हिस्सा हो सकता है क्या? थोड़ा बहुत पड़ता है, दबाव की राजनीति का हिस्सा भी एक तरह से ये। अच्छा वैसे देख लें जी, तो रामविलास शर्मा किनारे जी, ओम प्रकाश धनखड़ किनारे जी, कैप्टन अभिमन्यु किनारे बिल्कुल, राव नरवीर किनारे सब, विपुल गोयल किनारे, अनिल विज किनारे जी, तो एक किनारे वाले जो अपना एक किनारा इकट्ठा कर रहे हैं, जहाँ इकट्ठे मिल बैठेंगे मजबूत किनारा, मजबूत किनारा बन जाए जी। 2014 में जब सरकार बनी तो अनिल विज थे मुख्यमंत्री के दावेदार अपने आप में। 2 नमस्कार, हरियाणा का राजनीतिक पारा इस समय पूरे उफान पर जा रहा है, गर्म हो रहा है। हालांकि मौसम के अंदर तो जब से मानसून चला है, मानसून के चलते कहीं कहीं बारिश से लोगों को परेशानी भी हो रही है, लेकिन गर्मी से राहत मिल गई है। लेकिन इस सबके बीच भी जो राजनीतिक गर्मी है वो पूरे जोरों पर है। इस राजनीतिक गर्मी के अंदर जो प्रमुख चलता है वो नेताओं का घटनाक्रम, आना जाना, मिलना जुलना, इस सब पर नज़र रहती है। और हरियाणा के ही एक नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, लीगी नेता हैं, अनिल विज सूबे की सरकार के गृह मंत्री थे, और आजकल उनके जो तेवर हैं कुछ अलग बयां करते हैं। तमाम हरियाणा के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से मिल रहे हैं जो कहीं साइड लाइन हो गए। तो अनिल विज के मंशा क्या है, मंतव्य क्या है, इस सबके पीछे इरादे क्या हैं, इन सबको लेकर आज मैं आपके साथ रूबरू हूँ। और मेरे साथ मौजूद हैं देवेंद्र सिंह सुरजेवाला जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पंचायत विकास विभाग के जॉइंट डायरेक्टर हैं, और कई बार आप और हम इकट्ठे बात करते हैं। तो सुरजेवाला जी, कल अनिल विज आए थे फरीदाबाद औद्योगिक नगरी में जी, शाम को आए और विपुल गोयल के यहाँ एकदम से जी, विपुल गोयल हरियाणा के पूर्व उद्योग मंत्री जी, और अनिल विज हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री जी, दोनों के बीच तफसरा गुफ्तगू हुई जी। इससे पहले अनिल विज मिलते घूम रहे हैं, रामविलास शर्मा के पास गए, ओपी धनखड़ के पास गए, कैप्टन अभिमन्यु के पास गए, मतलब तमाम नेताओं। क्या है, क्या चल रहा है अनिल विज के मन में, क्या लगता है आपको? देखिए जैसा आपने कहा, पूर्व उद्योग मंत्री से मिले, पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री से मिले, पूर्व गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री, पूर्व पार्टी के प्रधान और पंचायत विकास मंत्री थे वो भी, ओपी धनखड़ भी, ओपी धनखड़ उनसे मिले, रामविलास शर्मा जी भी पूर्व मंत्री भी और प्रधान भी रहे पार्टी के। आज जो आज के सिनेरियो में जो है, ये तमाम नेता जो है इस वक्त, इनको अगर कहा जाए कि असंतुष्ट नेता पार्टी के अंदर, एक तो जो सत्ता का दल होता है ना उसमें, एक तो सत्ता के बिल्कुल साथ होते हैं करीब वाले, हाँ जी, सत्ता के गलियारे में जिनका चलता है जी जी, एक होता है जो असंतुष्ट जी, वो हर वक्त हर सरकारों में ऐसा होता है, फूफा, हाँ वो फूफा, जो वो शादी में जैसे फूफा जी का हाँ, एक वो तो ये राजनीति के फूफा होता है, तो ये राजनीति के आजकल ये फूफा ही है ये लोग, तो ये असंतुष्ट कह लीजिएगा, फूफा कह लीजिए, तो इन सब का एक दूसरे से मिलके अपना गुबार निकालना और एक दूसरे से एक फोर्स, वो ये भी जताना चाहते हैं कि हम इकट्ठे होंगे तो उस सत्ता में जो बैठे हैं आज सिंहासन पर हाँ, उनको एक संदेश भी देना चाहते हैं, संदेश पहुंच जाए जी, ताकि ये लगे कि बैलेंस बने, तो ये उसके तहत ये अनिल विज जी भी जो कर रहे हैं उसी कड़ी में है ये भी एक। और कोई सुन लिया आपने इनके मन की बात, तो एक दूसरे को अपने मन की बात भी सुना लें। वो मैंने कहा ना कि वो अपने आभास भड़ास जो भी है विचार आदान प्रदान कर लेते, वो कर लेते हैं, वो मिल बैठ के अपना बांट लेते हैं दुख सुख। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व है जी, उस पर क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स का भी एक हिस्सा हो सकता है क्या? थोड़ा बहुत पड़ता ही है, अगर ये ज़्यादा हो जाते हैं और लगता है अभी पार्टी की अगले चुनाव में जो है वो नैया डूबने वाली है या तैरने वाली नहीं है, तो इनको हो सकता है कई बार लिफ्ट दे देते हैं, या इनमें से भी फिर देखते हैं कि जो कम
वो हो, वजनदार ज्यादा हो और कम रुष्ट हो, उसको वो अपने साथ उसको बना ले, बना भी लेते हैं। ऐसा चलता, मतलब जो ज्यादा बड़ा फूफा है वो अपने घर बैठा रह जाए, जो छोटा उसको मना ले, उसको बना लेते हैं ताकि छोटी मनुहार से मन जाता उसको तो मना ले। जी हाँ, एक बार कांग्रेस में भी ऐसा हुआ था, भजन लाल जी के खिलाफ जो है ना, उस वक्त चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे उस वक्त कर्नल राम सिंह जी, ये चारों भजन लाल जी से काफी अलग थे, नाराज हुए। तो उन्होंने एक अपना फॉर्म तैयार किया जी, और उसके लिए जगह जगह इन्होंने पब्लिक मीटिंग शुरू की। मुझे याद आता है कलायत जी, बरवाला और बहुत सी जगह इन्होंने फिर वो पब्लिक मीटिंग की। प्रेसर टैक्टिस भी होती है जी, तो उसमें ये चलता ही है। अनिल विज जी भी उसी राह पे चल रहे हैं, मतलब दबाव की राजनीति का हिस्सा भी एक तरह से ये बिल्कुल। अच्छा, वैसे देख लें जी तो रामबिलास शर्मा किनारे जी, ओम प्रकाश धनखड़ किनारे जी, कैप्टन अभिमन्यु किनारे बिल्कुल, राव नरवीर किनारे सब, विपुल गोयल किनारे, अनिल विज किनारे जी। तो एक किनारे वाले जो अपना एक किनारा इकट्ठा कर रहे हैं, जहाँ इकट्ठे मिल बैठेंगे, मजबूत किनारा, मजबूत किनारा बन जाए जी। अनिल विज जी भारतीय जनता पार्टी के, अगर मैं ये कहूँ कि सबसे कद्दावर नेताओं में से एक है, सबसे पुराने हैं हरियाणा के अंदर जी। और अपना तो आपको मोदी जी से भी सीनियर बताते हैं। हाँ, तो वैसे तो अनिल विज क्या कह दे कुछ पता नहीं, कब क्या बोल जाएं वो, गब्बर कहते हैं उनको, कब क्या कह दें कुछ पता नहीं। कभी तो उनका अंदाज होता है गीत संगीत गाना बजाना, दिल के गुबार, सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट, मतलब आप सब कुछ देख सकते हो जी। और पिछले दिनों वो राहुल जी को भी चैलेंज कर रहे थे, वो ट्रंप को भी चैलेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं वो, मोदी और इनको सबको छोड़ो, वो ट्रंप को भी चैलेंज कर देंगे, बाइडेन को भी चैलेंज कर सकते हैं किसी भी सीमा तक। 2014 में जब सरकार बनी तो अनिल विज थे मुख्यमंत्री के दावेदार अपने आप में, बिल्कुल अपने आप समझते थे। मैं भी उनसे 2014 के चुनाव से पहले मिला था जी, उनके निवास पर अम्बाला में एक बार किन्हीं नेता के साथ मेरा भी जाना हुआ था, तो उनसे मुलाकात हुई थी और वो अपने आप में आश्वस्त लगते थे कि मेरी बात बन जाएगी। मनोहर आ गए ऊपर से और मनोहर की बात बन गई जी। अनिल विज मन महसूस कर रह गए पिछली बार, मन महसूस कर, उनका मन महसूस नहीं था जी। जो डिपार्टमेंट मिला उसमें भी मनोहर लाल जी का इंटरफेयर होता था जी, कई बार उनकी गुस्ताखियां नाराजगियां पिछली बार भी सामने आती रही जी। 2019 सीआईडी डिपार्टमेंट के लिए, ये तो 2019 का है, 19 में मिला है। जो 14 में उनके पास हेल्थ मिनिस्ट्री थी, हेल्थ भी थी और लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज भी थी, तो हेल्थ को लेकर के उनके शिक्षा विभाग भी था, हेल्थ वाले इशू में लेकर उनका हुआ जी। की जो डायरेक्टर थी उनके, खुल्लर साहब की वाइफ, वो तो 19 में हुआ है, तब भी हुआ एक बार। नहीं उस वक्त, उस टाइम खुल्लर साहब नहीं थी लेकिन उस वक्त इशू तब भी बना था। खैर, तो 2014 से 19 वाला जो पार्ट था वो मन महसूसे रहे जी जी जी, लगता तो उनको था कि मेरे पर कतरे जा रहे हैं बार बार। नहीं, उनका मेन मुद्दा उठा था उस वक्त, उनकी सीआईडी के जो थे उस वक्त एडीजीपी हमारे कपूर साहब, उनको ये लगता था कि मेरा पीछा किया जा रहा है और मुझे पिछली सरकार में जब शुरू में ही कि मुझे वॉच किया जा रहा है और मेरे हर कदम को सरकार नोट कर रही है कि मैं मेरी एक्टिविटीज़ को, और वो उनको इस चीज़ का आभास हुआ, मेरा फ़ोन भी टेप हो रहा है, हम बड़ा हंगामा हुआ उनका, और उन्होंने इस बात को पब्लिकली भी कई बार उठाया और सीआईडी चीफ से वो टकराते भी रहे। तो 14 से 19 तो ये सब कुछ रहा जी। 19 में दोबारा सरकार बीजेपी की आ गई जी, उनको मिल गई होम मिनिस्ट्री, अब की बार उनकी पावर बढ़ गई, रुतबा बढ़ गया जी। परेशानी उनको ये हुई कि उनकी नजर रखने के लिए अब की बार पहले शत्रुजीत कपूर साहब थे, तब दुष्यंत चौटाला आ गया, और दूसरा सीआईडी, वो सीआईडी वाली बात तो बाद में शुरू हुई जी जी। दुष्यंत चौटाला से भी उनको बड़ा वो रहता था कि भाई मेरे ऊपर दुष्यंत चौटाला भी है, डिप्टी सीएम, डिप्टी सीएम का रुतबा जो है, बड़ा उनकी इच्छा थी कि सीएम नहीं तो डिप्टी सीएम तो मैं भी बन जाऊँ दूसरा, बात वो भी नहीं बनी जी। फिर उसके बाद में उनके साथ में वो होम मिनिस्ट्री और सीआईडी वाला विवाद जी, फिर उसके बाद में वो हेल्थ मिनिस्ट्री और खुल्लर साहब वाला जी मामला, वो ये कई मीटिंगें, कई पंचायतें, इस 19 से 24 वाला चल रहा है जो आजकल का दौर, जिसमें मंत्री भी नहीं है, वो खूब चलता रहा जी। असली परेशानी उनको तब हुई जब नायब सैनी मुख्यमंत्री बनाए रहे, जब तो उनके कसर ही बाकी नहीं रही, कोई कसर ही बाकी नहीं बची, काटो तो खून नहीं, तब से पहले तो वो बर्दाश्त कर रहे थे जैसा तैसा जी, लेकिन उसके बाद तो उनको ये लगा कि ये तो हद है मेरे साथ। अच्छा, जब वो अनिल विज नाराज होते थे, उन्होंने कहा भी कि मेरे को साथ रहे दिन भर और फिर मेरे पीछे पड़े पे लात मार के, हाँ हाँ हाँ,
यही शब्द भी थे। और एक बात और भी थी, जो इकट्ठे आजकल मिल रहे हैं, ओम प्रकाश धनखड़ उससे पहले जब अध्यक्ष थे हरियाणा बीजेपी के, तो वो मैसेंजर बन गए थे अनिल विज के, सारा हाईकमान को पहुंचाते थे, अनिल विज साथ ये चल रहा है, ये सारी बातें होती थी। ये लगाव भी उनके साथ आजकल जो अनिल विज इसलिए भी कर रहे होंगे, जो साइडलाइन नेता है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये है सुरजेवाला जी, जो जहां तक मेरी जानकारी है लगभग कोई एक महीना पहले की बात होगी, तो मेरा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जाना हो गया जी। वहाँ भाजपा के मुख्यालय में अनिल विज मिल रहे थे भाजपा के बड़े नेताओं से जी, जो उनके संगठन मंत्री हैं राष्ट्रीय, उनके साथ भी उनकी मीटिंग हुई और उसके बाद वो बाहर निकले जी। तो मेरा भी उनसे खैर मकदम हुआ, तबसरा मैंने भी उनसे किया जी। अनिल विज को लगता था कि अब प्रदेश अध्यक्ष वो बन जाएंगे शायद जी। जी अब बन गए बड़ौली जी अध्यक्ष, इसका भी असर होगा? बिल्कुल डेफिनेटली, उनको इस बात का था आभास कि भी मेरे को चलो ये नहीं तो, अब जैसे अडवाणी जी के लिए भी लोग कहते थे कि भाई शायद राष्ट्रपति के लिए इनका, हाँ। अब जब वो भी नहीं हुआ तो लोगों में एक चर्चा तो थी, तो दुख तो पहुंचता ही, अब उनको इस चीज़ का भी बलाल तो है ही। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि कोई हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी अनिल विज को शायद पीछे किया गया हो, आपको क्या लगता है? नहीं, ये है अगर देखा जाए तो, हाँ अगर हम सही में देखें, अगर तो पार्टी के अंदर ये भी पॉइंट आ सकता है और आता रहा होगा जरूर, हेल्थ इश्यू भी है, दूसरा उनकी जो एक पब्लिक डीलिंग है ना, एक बार बहुत ज़्यादा वो गुस्से में आ जाते हैं और अपने आप को काबू नहीं रख पाते, चाहे वो अधिकारियों की मीटिंग का भी दो तीन बार हुए हैं, संगीता कालिया वाला टॉपिक था, कई इशू हैं और मैंने उनको सस्पेंड कर दिया और मीटिंग में कि मैं नहीं बर्दाश्त कर, हिसार में जब ग्रीवेंस कमेटी मीटिंग लेने गए बड़ा गुस्सा हुआ कि मैं सस्पेंड कराया, मैं जाऊंगा ही नहीं मीटिंग में, गई भी नहीं वो, और वो सीधा सब कुछ मीडिया में बोल देते हैं सब कुछ, 3-4 महीने उन्होंने मीटिंग में गए नहीं, तो उसको क्या कहें, इम्बेलेंस्ड माइंड कहे, मतलब पार्टी को भी लगता हो कि भाई कुछ हेल्थ इश्यूज भी हैं, कुछ ये सारा भी था, तो चलो भाई उस पद पर बैठ के ये कहीं कुछ गुड़ गोबर ना हो जाए, वो कहावत तो है कि तुम रूठे हम छूटे, हाँ जी, अगर तुमने मंत्री बदलने से मना किया तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप ही हो, वो कहते हैं ना तुम रूठे हम छूटे, हमारा पीछा छूट गया, सही बात है। अब पार्टी को शायद इस बात की राहत भी मिली, हाँ थोड़ी बहुत रहती है, ठीक है कोई बात नहीं, बोल रहे हैं बोलते रहेंगे अपनी करते रहेंगे, चलो बहाना मिल गया है, अध्यक्ष पद भी नहीं मिला, मोहनलाल बड़ौली बन गए अध्यक्ष अब जी। जी क्या अंबाला कैंट से अनिल विज का टिकट भी कट सकता है? अब लोगों में चर्चा है ऐसी कि शायद ऐसा हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा होता रहा है पीछे भी, कहते हैं हेल्थ इश्यूज हैं, एज वाला फैक्टर मिला करके सब कुछ, हाँ, करके सारी चीजें हैं, तो आपको क्या लगता है इन सब की वजह से ये जो चल रहा है आजकल किनारे वाला जो इकट्ठा हो रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में, जिनकी पूछ नहीं हो रही थी या जो नेताओं को लग रहा था कि भाई हम तो साइडलाइन हो गए जी, हाँ जी। वो सब इकट्ठे हो रहे हो और उनके जो झंडा बरदार अनिल विज बन रहे हो, ऐसा भी ऐसा ही है बिल्कुल। अब आपने देखा होगा कि आखिर जब कई बार देखा हो तो लास्ट में आदमी अपने हाथ पांव मारता ही है ना, मैं तो ये समझता हूँ उनका ये लास्ट चांस होगा, वो जो हाथ पांव मार रहे हैं, मतलब हाथ पांव मार रहे हैं, हाँ अगर उसमें कामयाबी मिल जाती है तो ठीक है, नहीं है तो आखिरी सवाल जी, बीजेपी हाईकमान पर या बीजेपी का जो स्टेट की जो यूनिट है जी, उस पे ये अनिल विज की इन सब बातों का कितना असर पड़ सकता है, ये कितना प्रेशर में आ सकती है? देखिए कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता इन बातों का, पास्ट एक्सपीरियंस यही कहता है कि लोग सत्ता लोलूप, सत्ता के पक्ष में या स्वार्थ में दूसरे को छोड़ जाते हैं, ऐसा अडवाणी जी को कौन याद करता है जी, तो वही बातें हैं, जो छूट गया वो इतिहास बन गया बस, ऐसा कुछ नहीं है कि उसके पीछे ही लोग कुछ बीड़ा उठा लें या सत्ता से उन लोगों को पीछे हटा दें, ऐसा कुछ नहीं, जो होगा वो तो पार्टी का जो इस वक्त जो इनके कारनामे हैं, जो इन्होंने किया है अच्छा भला बुरा जो भी है, उसका इम्पैक्ट आएगा, उसकी वजह से लोग फैसला लेंगे और शायद इन बातों का मैं नहीं समझता कोई लंबा चौड़ा असर पड़ने वाला हो जी। तो ये है तो ये थे देवेंद्र सुरजेवाला जिनके साथ हमने चर्चा की, खासकर हरियाणा के गब्बर को लेकर, गब्बर माने तो अनिल विज, छूट गए जाएंगे पीछे, क्या इतिहास बन जाएंगे, क्या उनकी जो ये आजकल प्रेशर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा चल रहा है जो सुरजेवाला जी ने बताया कि तमाम उन नेताओं के साथ मिलना जुलना जो
किनारे हैं, यानी कि जो साइडलाइन है, इसका हरियाणा की राजनीति पर क्या असर होगा, बीजेपी की राजनीति पर क्या असर होगा, जो अगले 3 महीने में विधानसभा चुनाव है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स कितनी कारगर साबित होगी, इन सब पर नज़र रहेगी। इसी प्रकार के वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।